दिवस हम लोग मनाते ही आ रहे हैं। भारत का गणतंत्र दिवस मनाना देशभक्तों का एक हर्षोल्लास का दिन है। हम लोग हमेशा गणतंत्र दिवस मनाते रहे। भारत के सभी भारतीयों का ये एक हर्षोल्लास का पर्व है कि आज इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। और सभी देशवासियों को बधाई है देशभक्त जनता पार्टी की तरफ से। सर, जो झंडारोहण का आज कार्यक्रम हुआ, इस अवसर पे किन किन पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई? देशभक्त जनता पार्टी के ध्वजारोहण में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री शिवम मिश्रा, बहुत सारे पदाधिकारी, कोषाध्यक्ष, महिला सभा की पदाधिकारी, सभी लोग उपस्थित थे। ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। हमारे तरफ से जनवरी की बहुत बहुत बधाई। देश के बच्चों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, सब हर्षोल्लासित रहें और पर्व को मनाते रहें। देशवासियों और देशवासियों को यह तेरहवां गणतंत्र दिवस बहुत बहुत शुभ हो, हमारी बहुत बहुत बधाई। और हम ये चाहते हैं हमारा देश हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहे तब तक इसी तरह अपना हम लोग खुली हवा में सांस लेते रहें। सारे देशवासी आज़ाद भारत में हंसी खुशी से सांस रहे और बहुत ही स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, आज़ाद भारत में खुली हवा में सांस लेते रहें। और हम चाहेंगे उनसे और अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारे सभी देशवासी देशभक्ति के साथ, जैसे हमारी पार्टी देशभक्त पार्टी है जी, वैसे ही सभी देशभक्त हों और देश के लिए कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही हमारा ये गणतंत्र दिवस का संदेश है अपने देशवासियों के लिए, सभी के लिए, कि देशभक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, कोई भी समय हो, हमें देशभक्ति देश के लिए कर गुजरना है, बहुत कुछ करना है। ठीक, धन्यवाद। दिन है हमारे देशवासियों या देशभक्तों के लिए। मैं चाहता हूँ इस 73वें गणतंत्र दिवस के दिन लोग शपथ लें कि अपने देश के लिए हर चीज़ बेहतर करेंगे पहले से और आगे देश को एक सफल और सुरक्षित जगह बनाएंगे। मैं सारे विद्यार्थियों से स्पेशली अपील करना चाहूँगा कि वो देश के प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखें। गणतंत्र दिवस पे हम तो यही सबको बधाई देंगे जी। गणराज भारत के सभी देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देश ऐसे जैसे फूलता फूलता जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ता जाए और विश्व में स्वराज बन के अपना एक राज्य बनेगा, देश बनेगा। ठीक।